फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। और आज हम एक भौतिकरण के टॉपिक के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। आप अभी खबरों में देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर वहाँ पढ़ रहे होंगे और टीवी पर आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आने वाले हैं, और बल्कि आ चुके हैं। उनकी यात्रा सम्पन्न हो गई है। तो उनकी यात्रा सम्पन्न होने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। यानी कि 24 और 25 फरवरी को दो दिन वो भारत की यात्रा पर रहे हैं, दो दिवसीय यात्रा थी। तो इसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि जो भी समझौते हुए हों, जो भी उनकी यात्रा से संबंधित प्रमुख तथ्य हों या जो बातें हों, वो सब इसमें सम्मिलित किया जा सके, ठीक है। तो हालांकि मैं तैयारी इसकी पहले कर रहा था, वीडियो बनाना है, लेकिन मैंने सोचा कि पहले इनकी यात्रा संपन्न हो जाए, समाप्त हो जाए, इसके बाद मैं इस पर वीडियो बनाऊं, ताकि कोई भी फैक्ट या कोई भी डाटा छूटने ना पाए, ताकि आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न बनता भी है तो इससे आप सब कर सकें, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इनकी यात्रा में क्या क्या प्रमुख बातें रही हैं, उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं, ठीक है, और इससे संबंधित हमारी परीक्षा में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि इनकी यात्रा, तो हेडिंग है डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा, ठीक है। तो पहली चीज तो बता दें आपको कि ये सातवें राष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, यानी कि इससे पहले 6 राष्ट्रपति और आ चुके हैं, ठीक है। ये कैसे है, ये सातवें राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और अगर व्यक्ति के क्रम में देखा जाए तो ये हैं आठवें। क्यों है, क्योंकि इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, वो दो बार भारत आए हुए थे, ठीक है। तो अगर जो है इस राष्ट्रपति क्रम की बात की जाए तो ये सातवें हैं, और व्यक्ति की बात की जाए, चूंकि ओबामा दो बार आए हैं, तो ये हो जाता है आठवां क्रम, ठीक है। तो याद रखिएगा कि व्यक्ति क्रम में ये आठवें हैं और वैसे राष्ट्रपति के क्रम में ये सातवें हैं। चलिए, और ये 24 और 25 फरवरी यानी कि दो दिवसीय यात्रा पर ये भारत के दौरे पर रहे हैं, दो दिन के लिए। 24 को आए थे, 25 को रहे हैं और 25 को ही वापस आए हैं, ठीक है। देखिए, ये इनका जो विमान था जिससे आए थे, उसका नाम था एयरफोर्स वन, ठीक है। यानी कि विशेष विमान से एयरफोर्स वन विमान था, उससे ये अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे हैं, ठीक है। यानी कि इन्होंने अपनी यात्रा नई दिल्ली से शुरुआत नहीं की है। कहां पर पहुंचे, ये गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे, यानी इन्होंने मोदी जी ने वहीं पर बुलाया था कि यात्रा की शुरुआत वहीं से होगी। तो इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद से की है। तो एक प्रश्न यही समझ जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी यात्रा की शुरुआत किस शहर से की थी, तो वो तो अहमदाबाद, ठीक है। और किस हवाई अड्डे पर आए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उतरे थे, और उनके विमान का नाम क्या था, एयरफोर्स वन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद ये कहां पहुंचे, इसके बाद यहां से ये मोटेरा स्टेडियम पहुंचे। मोटेरा स्टेडियम ये हाल ही में बनाया गया है, नवनिर्मित है, तो उसका उद्घाटन इनको करना था। मोटेरा स्टेडियम पहुंचे हैं। ये जो स्टेडियम है वो एयरपोर्ट से स्टेडियम की दूरी जो लगभग 22 किलोमीटर है, तो उन्होंने 22 किलोमीटर का रोड शो भी किया है, ठीक है। यानी एयरपोर्ट से स्टेडियम पहुंचने जो है बीच में रोड शो किया है, और इस रोड शो की दूरी थी 22 किलोमीटर, ठीक है। और आपको बता दूं कि इस रोड शो के दौरान, यानी कि भारत की झलक दिखाने के लिए, यानी कि भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, आदि परंपराएं उनको दिखाने के लिए बहुत सारी झांकियां रैलियां बनाई गई थी, तो उसके लिए स्पेशली 28 मंच बनाए गए थे, ताकि भारत की विविधताओं को दर्शाया जा सके। तो 28 मंच बनाए गए थे जहां पर बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे थे, कलाकृतियां चल रही थी, ठीक है। और जो इन्होंने रोड शो किया है, ठीक है, उस रोड शो को नाम दिया गया है इंडिया रोड, ठीक है, इंडिया रोड नाम दिया गया है इसको। कौन सा, जो एयरपोर्ट से स्टेडियम तक का जो रोड शो किया है उसको इंडिया रोड नाम दिया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके साथ में कौन कौन आया है, तो मैं आपको बता दूं, इनके साथ में इनकी पत्नी थी मेलानिया ट्रंप, इनकी बेटी थी इवांका ट्रंप, और इनके दामाद यानी कि इवांका ट्रंप के पति थे जेरेड कुश्नर, ठीक है। ये जेरेड कुश्नर क्या है, वहां पर अमेरिका में व्हाइट हाउस में ये सलाहकार भी है, ठीक है। और मेलानिया ट्रंप और इवांका ट्रंप, ये जो इनकी पत्नी और बेटी है, ये पहली बार दोनों एक साथ, मतलब किसी देश की यात्रा पहली बार एक साथ गई, तो भारत ऐसा देश है जहां पर इनकी पत्नी और बेटी इनके साथ एक साथ आई है, ठीक है। और इवांका ट्रंप की ये दूसरी यात्रा है, दूसरी बार ये आई है। इससे पहले ये वर्ष 2017 में हैदराबाद में एक समिट हुआ था बिजनेस से संबंधित, तो उसमें ये आ चुकी हैं 2017 में, ये इनकी दूसरी यात्रा थी, ठीक है।
यहाँ पर जो मोटेरा स्टेडियम है इसके बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो इसकी क्षमता है वो 1,10,000 लोगों को बैठाने की क्षमता है, ठीक है। और अब ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है, यानी कि दर्शकों के मामले, यानी कि लोगों को बैठाने की क्षमता के मामले में ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है मोटेरा स्टेडियम। इससे पहले जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड था ऑस्ट्रेलिया में वो था सबसे बड़ा, ठीक है। और उसकी क्षमता थी 1,24,000 दर्शकों को बैठाने की उसकी क्षमता थी, लेकिन इसकी क्षमता है 1,10,000, ठीक है। तो ये अब दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है मोटेरा स्टेडियम, कहां पर है, अहमदाबाद में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इनका कार्यक्रम क्या था, ठीक है। जो डोनाल्ड ट्रंप आए थे, इनका कार्यक्रम क्या था, किनको क्या करना, ठीक है। तो इनके जो कार्यक्रम की थीम थी वो थी नमस्ते ट्रंप, ठीक है। आपने सुना होगा कि मोदी जी अभी पिछले टाइम अमेरिका गए थे तो वहां पर एक हाउडी मोदी करके कार्यक्रम चलाया गया, यानी कि उनका एक प्रोग्राम था तो उसकी थीम थी हाउडी मोदी, ठीक है। इसी प्रकार से उसी थीम के आधार पर यहाँ पर नमस्ते ट्रंप थीम को मनाया गया है और इसी पर पूरा कार्यक्रम बेस्ड था, इसी के आधार पर सारे प्रोग्राम हुए हैं, ठीक है। ये देखिए कहां से कहां पहुंचे इनका, मतलब क्या सर्कल था, कैसे कैसे उन्होंने प्रोग्राम किए हैं। तो सबसे पहले ये कहां पर आए, एयरपोर्ट पर, यानी कि सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट, ये यहां पर अहमदाबाद उतरे। इसके बाद ये कहां पहुंचे, ये मोटेरिया स्टेडियम पहुंचे, वहां पर उन्होंने उद्घाटन किया और वहां की जो जनता थी, लोग थे, वहां पर उनको संबोधित किया। इसके बाद ये पहुंचे गांधी आश्रम, यानी कि साबरमती आश्रम पहुंचे, वहां पर उन्होंने गांधी आश्रम पहुंचे, वहां पर विजिट किया, दर्शन किया, वहां पर गांधी जी का आश्रम देखा। इसके बाद ये पहुंचे आगरा, ठीक है, इन्होंने ताज का दीदार किया पत्नी के साथ, ठीक है। इसके बाद आगरा से सीधे पहुंचे ये नई दिल्ली, ठीक है, और नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में, ठीक है, प्रधानमंत्री के साथ इनकी शिखर वार्ता हुई, यानी जो भी वार्ता होनी थी वो शिखर वार्ता हुई, ठीक है। और शिखर वार्ता होने के बाद ये पहुंचे राष्ट्रपति भवन, यानी कि मुगल गार्डन, वहां पर उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की, उनकी पत्नी से मुलाकात की, बातें, जो भी प्रोग्राम हुआ होगा उनका, कोई ऐसा विशेष नहीं हुआ जो बताने लायक हो, ठीक है। और इसके बाद ये सीधे चले गए अमेरिका, वापस अपने देश लौट गए, ठीक है। तो ये इनका प्रोग्राम था कि सबसे पहले एयरपोर्ट, मोटेरिया स्टेडियम, गांधी आश्रम, आगरा, नई दिल्ली, हैदरा हाउस में शिखर वार्ता, इसके बाद राष्ट्रपति में, मुगल गार्डन में, और उसके बाद अमेरिका वापस, ठीक है। और इनकी जो सुरक्षा कार थी उसका नाम है फोर्ड D000 जिससे ये जो है मतलब आए गए हैं, जो चले थे इस कार में, इनकी सुरक्षा कार स्पेशली अमेरिका से मंगाई गई थी, ठीक है, अमेरिका से वहां भेजी गई थी। तो इस कार पर ये यात्रा इन्होंने की थी इंडिया में। अब देखिए क्या हुआ इस दौरान, तो मैं आपको बता दूं कि इस दौरान प्रमुख रूप से 3 समझौते हुए हैं, ठीक है। पहला समझौता है $3 अरब का, ये रक्षा समझौता है, ठीक है, $3 अरब का ये रक्षा समझौता है भारत और अमेरिका के बीच में। इसमें क्या है, इसमें भारत 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदेगा, ठीक है, 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदेगा किसके लिए, ये वायुसेना के लिए खरीदेगा और इसकी कीमत होगी $80 करोड़, क्लियर। और दूसरा क्या है, मतलब इसी में क्या है, 24 ये MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदेगा किसके लिए, नौसेना के लिए, और इनकी कीमत होगी $2.60 अरब, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों समझौतों को मिला दिया तो लगभग ये $3 अरब का समझौता हो जाता, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक। दूसरा ये समझौता इनका जो हुआ है वो ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता हुआ है। तो ऊर्जा क्षेत्र में क्या हुआ, देखिए अमेरिका की एक पेट्रोलियम कंपनी है जिसका नाम है एक्सॉन मोबाइल और भारत की कंपनी है इंडियन ऑयल, तो आप जानते हैं, ठीक है। तो एक्सॉन मोबिल और इंडियन ऑयल के बीच समझौता हुआ है, क्या समझौता हुआ है, ये दोनों कंपनियां मिलकर के इंडिया में क्या करेंगी, वर्चुअल गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाएंगी, ठीक है, वर्चुअल गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाएंगी, एक ग्रिड होगा इनका तो वो बिछाने का काम करेंगी। अब देखिए वर्चुअल गैस पाइपलाइन क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि वर्चुअल गैस पाइपलाइन वो होती है, यानी कि जिन क्षेत्रों में हम पाइपलाइन नहीं बिछा सकते हैं या जिन क्षेत्रों में वास्तविक पाइपलाइन नहीं है कि हम पाइपलाइन के माध्यम से गैस की सप्लाई कर सकें, तो उन क्षेत्रों में रेल के द्वारा, सड़क के द्वारा या जलवायु यानी कि जल परिवहन के द्वारा, रेल, सड़क और जल परिवहन के द्वारा गैस की आपूर्ति की जाएगी, इसी को कहा जाता है वर्चुअल गैस पाइपलाइन नेटवर्क, ठीक है, यानी कि जिन क्षेत्रों में वास्तव में गैस की
लाइन नहीं बिछ सकती है या नहीं बिछी है, तो रेल, सड़क और जल परिवहन के द्वारा गैस की आपूर्ति की जाएगी। और क्या किया जाएगा, एक समझौता और है, मानसिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा के विषय पर सहमति। ठीक है, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्रों में जो भी उत्पाद बनाए जाएंगे तो उन पर भी सहमति दोनों देशों के बीच बनी है कि इस क्षेत्र में भी दोनों लोग, दोनों देश मिलकर के काम करेंगे ताकि इसमें भी दोनों मिलकर के आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ये थी पूरी डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा, कैसे कैसे संपन्न हुई है, दो दिन कैसे उन्होंने इंडिया में बिताए हैं। ठीक है, और इंडिया ने उनका बहुत जोरदार स्वागत किया है। ठीक है, मोदी और मोदी जी ने और राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री का, उनके ट्रंप का बहुत स्वागत किया है कर्मजोशी से, और मतलब उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था, मैं देख रहा था टेलीविजन पर, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब कि जैसे वो अपने घर में ही है, और मतलब बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे आपस में विचार विमर्श हुआ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो भी प्रश्न बहुत सारे यहाँ से बन सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, कि उनके थीम क्या थी, ठीक, उनकी कार का नाम क्या था, या कितने समझौते हुए हैं, ठीक है, या उनका प्रोग्राम क्या था, कैसे कैसे कहाँ पर गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कि जो मोटेरा स्टेडियम है वो अब विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम दर्शक बन गया है। ठीक, तो ये थी पूरी यात्रा। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर कंटेंट अच्छा है, जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।